व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तीन चार दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज काफ़ी बिजी था बट अभी भी गाड़ी में हूँ, पर जहाँ जहाँ टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, मैं वीडियो बना देता हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये स्पाउजल ओपन वर्क परमिट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। स्पाउजल जो स्पाउस का वर्क परमिट होता है, ओपन वर्क परमिट, जो यहाँ पे आते हैं स्पाउस के साथ आते हैं, या आपका स्पाउस आपको बाद में बुलाता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, पर ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रूफ शो करने चाहिए ताकि आपका वीज़ा जो है, सक्सेस रेट जो है आपकी हाई हो जाए, आपकी फाइल स्ट्रांग हो जाए, और रिफ्यूज़ल के क्या क्या रीजंस होते हैं। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो रेड बटन को जरूर क्लिक करना। इंस्टाग्राम है कटारिया 007, उसको भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं लाइव आता रहता हूँ। फेसबुक पर पेज है कटारिया TV का नाम। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो स्पाउजल वर्क परमिट की बात करता हूँ। जब स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है, तो वो अपने स्पाउस को बुला सकता है, या आप अपनी फाइल साथ में भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है। बट मैं ज़्यादातर सजेस्ट करता हूँ कि जब आप यहाँ पे आ जाते हो, तब आप अपने स्पाउस को बुलाओ, चाहे आप एक महीने बाद, दो महीने बाद, अपनी एनरोलमेंट लेटर लेके कॉलेज से भी आप एनरोल्ड हो गए हो, तब लगाओ। ये तो एक अलग चीज़ होगी। मेन जो मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि आपको प्रूफ क्या क्या दिखाने हो। और सबसे पहला प्रूफ है मैरिज सर्टिफिकेट। आपका मैरिज सर्टिफिकेट प्रॉपर बना होना चाहिए, कोर्ट से बना होना चाहिए, वो ज़्यादातर मायने रखता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने मंदिर में शादी की, वहीं पे बनवा लिया, गुरुद्वारे में की, वहीं पे बनवा लिया, बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो कोर्ट से बनवाएं, बिकॉज दैट इज़ मोर लीगल, और वो हर जगह वैलिड होता है, हर जगह चलता है। तो मैरिज सर्टिफिकेट बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। और जो लोग, पहले मैं बता देता हूँ यार, जो लोग फेक मैरिज कर लेते हैं ना, वो ज़्यादातर ज़्यादा पकड़े जाते हैं। सो मैरिज, अगर आप स्पाउजल वर्क परमिट लगा रहे हो, किसी का तुक्का लग गया कि फेक मैरिज करी, वो यहाँ पे आ गया, और वो डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है, यहाँ पे आके आप डिवोर्स ले लेते हो, वो डिफरेंट थिंग्स हैं। बट मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये सब काम करवा रहे हो, तो ओरिजिनल करवाओ, लाइक जेन्युइन होना चाहिए सारा कुछ, बिकॉज जो इमिग्रेशन में बंदा बैठा है वो एक्सपीरियंस्ड है, लाखों फाइलें लगती हैं, पूरे वर्ल्ड से फाइलें लगती हैं, तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो रोज़ देखता है कि कितनी फाइलें आ रही हैं, कैसी फाइलें आ रही हैं। सो ही इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड, ही और शी, जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उसको पता होता है कि क्या सच्चा है क्या झूठा, और मिनटों मिनट पकड़ लेते हैं और रिजेक्शन मार। सो मैरिज सर्टिफिकेट सबसे पहला प्रूफ हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट। सेकंड की आपकी मैरिज सर्टिफिकेट से बता रहा हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपकी मैरिज ज़्यादा पुरानी होगी, सपोज करो आपकी मैरिज को अभी एक महीना ही हुआ है या दो महीने हुए हैं और आपने फाइल लगा दिया, तो थोड़ा सा उनको शक होता है कि यार ये शायद इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए तो नहीं इन्होंने शादी की। इन दैट केस क्या होता है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब आपकी मैरिज थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, तब आप इमिग्रेशन में फाइल तब डालें, लाइक मैरिज पुरानी होनी चाहिए। तो मैरिज पुरानी होगी, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। अगली चीज है फंड्स। आपको इंडिया में भी फंड दिखाने हैं, या जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के फंड दिखाने हैं कि आपके अकाउंट में फंड्स पड़े होने चाहिए। अब बहुत लोग कह देते हैं कि फंड्स जो होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं कि पुराने होने चाहिए इसमें, पर मैं यही कहता हूँ कि काफ़ी टाइम, जैसे दो महीने तो एटलीस्ट पुराने डलवा के रखो, ट्रांजैक्शन होती रहनी चाहिए, ये नहीं कि बट पूरे ट्रांजैक्शन, पूरे पैसे निकाल लिए फिर डलवा लिए, बट कुछ थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन होती रहनी चाहिए। और दो महीने पुराने अगर आप फंड डलवा दोगे, तो उससे क्या होगा कि इमिग्रेशन को भी लगेगा कि हाँ यार इसके पास काफ़ी टाइम से पैसे पड़े हैं। फंड्स इसमें कोई ज़्यादा नहीं दिखाने, 6 to 7 or 8 lakh इंडिया के हिसाब से आप दिखा सकते हो, इसको कन्वर्ट कर लेना। और यहाँ पे जो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड होंगे जो अप्लाई कर रहे हैं आपके लिए, जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, उनके अकाउंट में भी थोड़े बहुत फंड चाहिए होते हैं, तो टोटल फंड्स अच्छे होने चाहिए, जिससे आपकी फाइल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अनदर जो प्रूफ आपको लगाना चाहिए, आपके मैरिज के कितने प्रूफ्स हैं, लाइक मैरिज आपने की, उसके बाद फंक्शन किया, फंक्शन की फ़ोटोग्राफ, आपने रिश्तेदारों को कार्ड बांटे, उस कार्ड की फ़ोटो, अगर कार्ड बड़ा भी है तो उस कार्ड को भी साथ में अटैच कर सकते हैं, या आप शादी के बाद कहीं घूमने गए, पहली बार कहीं मिले, आपने एक दूसरे को ईमेल लिखी, व्हाट्सएप की चैट होगी, या आपने एक दूसरे को एक गिफ्ट लेके दिया, या
मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई लव लेटर लिखा। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ उस उनके साथ क्यों शेयर करें। सी गाइज, वो ये नहीं कि हर एक चीज पढ़ते हैं, बट उनको ये दिखना चाहिए कि हाँ यार कि आपका रिलेशनशिप असली है, यू नो यू गाइज लव ईच अदर। मैरिज हुई है तो ये नहीं है कि इमिग्रेशन के पर्पज से हुई है आपकी शादी। तो जितने ज़्यादा प्रूफ दिखा सकते हो इतने उतने अच्छे हैं। आप हनीमून पे गए हो, उसकी फोटोग्राफ्स, जैसे आपके अपने रीति रिवाज होते हैं थोड़े से, उनकी फोटोग्राफ। अगला जो प्रूफ दिखा सकते हो आप, वो दिखा सकते हो कि आपका कोई इंश्योरेंस जो है वो टुगेदर है, हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है टुगेदर, बेनिफिट है कोई टुगेदर, या आपने कोई पॉलिसी ली हुई है टुगेदर। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज ये जो चीज़ें होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो अगर आपने सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाई, कई लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा लेते हैं, फेक मैरिज करवाई है, तो उसमें आप ये चीज़ें नहीं करवाओगे, बिकॉज आपको पता है ये लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें हैं। और अगर आप ये करवाओगे तो यू नो लॉन्ग टर्म के लिए आपको पे करना पड़ेगा उनके लिए। तो ये बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं करवाते। अगर आपकी असली में मैरिज है तो आपने ऐसी कोई पॉलिसी ले रखी है, कोई बेनिफिट ले रखा है अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, तो वो जरूर शेयर कर रहे हैं उनके साथ, बिकॉज उससे फाइल बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उससे क्या लगता है कि ये फेक नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ होती है कि फेक रिलेशन नहीं है, असली मैरिज है, इमिग्रेशन के पर्पज से आप शादी नहीं कर रहे। अगला प्रूफ आप दिखा सकते हो कि आपका जो अकाउंट है, आपका अकाउंट और आपकी वाइफ का कोई आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है। क्योंकि सेम थिंग गाइज, ऐसे ऐसे प्रूफ बनाओ कि जो लगे कि असली है। क्योंकि अगर आप फेक मैरिज कर रहे हो तो आप अपने अकाउंट में किसी का नाम क्यों डलवाओगे यार, अगला बंदा आपके पैसे लेके भाग जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि अगर ज्वाइंट अकाउंट है, आप टैक्स इकट्ठे भर रहे हो, आपने कोई ओल्ड जब पुराने टाइम में उनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प की थी तो उसका प्रूफ है आपके पास। तो ऐसे ऐसे प्रूफ दिखाओ कि इमिग्रेशन को लगे कि आपकी मैरिज बहुत रियल है, फेक नहीं है, इमिग्रेशन पर्पस के लिए नहीं है, यहाँ आके अलग नहीं हो जाओगे आप, इट्स अ रियल मैरिज। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स आ रही हैं। पहले क्या होता था कि वर्क परमिट जब स्पाउस का अप्लाई होता था ना, राइट अवे थोड़े टाइम बाद वर्क परमिट जब ऐसे आने लग गया ना, तो लोगों ने गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया इसका। अब सबसे ज़्यादा मैं जब केप्स नोट अप्लाई करता हूँ, केप्स में क्या होता है कि छोटी छोटी डिटेल भी आ जाती है कि क्यों आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। तो मैं बहुत सारी केप्स देखी, मैंने स्टडी की इसके ऊपर, तो मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिली कि स्पाउस के या आपके हस्बैंड वाइफ के दोनों के पासपोर्ट पे स्पाउस का नाम नहीं था। गाइस, जहाँ पे बैक पेज पे पेरेंट्स का नाम होता है उसके नीचे लिखा होता है नेम ऑफ स्पाउस, वहाँ पे स्पाउस का नाम नहीं था। सो गाइस, अगर आपकी शादी हुई है और आपने इमिग्रेशन में फाइल लगानी है, तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप अपने पासपोर्ट में स्पाउस का नाम जरूर डलवा लो। यू नेवर नो यार किस चीज़ की वजह से रिफ्यूज़ल डाल दें। एक बार रिफ्यूज़ल आ गई, आपके अकाउंट में बैठ जाती है, आपके रिकॉर्ड में आ जाती है, नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई करो दिखाना पड़ता है कि हाँ एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। सो इट्स बेटर कि यार पहले ही काम पक्का करके चलो ताकि आपका वीज़ा आ जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि स्पाउस यहाँ पे आ जाता है और वो हस्बैंड या वाइफ वहाँ पे बैठा होता है इंडिया में या बैठी होती है, और कुछ छोटी छोटी रीजंस की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाते, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है बार बार, और वो टाइम निकल जाता है स्टडी परमिट वाला, फिर वर्क परमिट पे आ जाता है इधर वाला बंदा कैनेडा वाला, और फिर कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती जाती हैं। सो इट्स बेटर कि आप पहले से ही सारे प्रूफ अच्छे से बना के रखो, अच्छे से रिकॉर्ड करके रखो। अब मेरे को बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार हमने तो लिखवाया नहीं स्पाउस का नाम, हमारा तो ऐसे वीज़ा आ गया। सो देखो, इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, आने को आ भी सकता है, नहीं आने को वो ये रीज़न भी डाल सकता है। सो इट्स बेटर कि आप चांस ना लो। एक अगला जो मैं रिफ्यूज़ल आजकल बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, थोड़ा सा फनी है बट लोग कर रहे हैं, जैसे लड़के की एज है 35, लड़की की एज है 23। सो गाइज, ये कोई वो पुराना टाइम नहीं चल रहा कि आपने ज़्यादा एज्ड बंदे के साथ शादी करवा दी हो, या लड़की की एज ज़्यादा हो लड़के की कम हो, तो उस चीज़ को प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इमिग्रेशन के सामने। देखो, अब शादी तो होती है, प्रियंका चोपड़ा ने भी तो की है। सो मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता कि एज मैटर करती है, बट इमिग्रेशन पर्पज से देखा जाए तो मैंने देखे हैं, 2-3 केप्स नोट में लिखा होता कि एज क्राइटेरिया उनका दिखाई दे रहा है
कि लड़के की एज ज्यादा है और लड़की की एज कम है, सो ये शादी इमिग्रेशन पर्पस से, आप इमिग्रेशन के साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें ये मेरे को देखने को मिली। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सेम एज हो या थोड़ा सा फर्क हो, लाइक ज्यादा फर्क ना हो, कि बहुत बहुत ज्यादा फर्क भी होता है, बहुत ज्यादा फर्क होगा तो उनको शक पड़ेगा और आपका वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये कुछ ऐसे प्रूफ है कि अगर आप अपने फाइल लगाते समय शो करोगे तो फॉर श्योर आपका वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्लस जो दूसरे प्रूफ होते हैं फॉर श्योर, जब यहाँ पे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का LOA हो गया, एनरोलमेंट लेटर होगी, पासपोर्ट हो गया, और उधर जो आप इनकम टैक्स भरते हो इंडिया में उसकी रिपोर्ट होगी, तो ये तो आप लगाओगे लगाओगे, बट एक्स्ट्रा प्रूफ जो मैंने आपको बताए हैं, ये वो एक्स्ट्रा प्रूफ है कि जो आप लगाओगे तो आपका ओपन वर्क परमिट, स्पाउजल ओपन वर्क परमिट अप्रूव होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। 1% क्योंकि लक भी मैटर करता है, इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर मैटर करता है। बाकी मैं सिर्फ यही कहूंगा एट द एंड कि आप अपनी तरफ से कोई रिस्क ना लेना, कि अगर आप सोचो कि हमने क्या पासपोर्ट पे नाम चेंज करवाना, बहुत टाइम लग जाएगा। सो गाइज ये सब चीजें भूल जाओ, बिकॉज एक बार रिजेक्शन आ गई तो उससे भी आपका बहुत टाइम खराब होगा। सो इट्स बेटर कि आप अच्छी चीजों में टाइम खराब कर लो, खराब क्या, वो टाइम बचेगा ही एट द एंड, आपको जब वीजा अप्रूवल मिल जाएगी तब आपके चेहरे पे जो खुशी होगी वो आपने जो टाइम अपनी मेहनत करके पासपोर्ट पे चेंज कराया होगा नाम, उसका ही फायदा होगा। सो छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखना, और जब भी आप अपनी फाइल लगाते हो ट्राई करा करो कि फ्रॉड चीजें कम दिखाओ, रियल चीजें ज्यादा दिखाओ, सच जितना दिखाओगे उतना फायदा होगा। मैंने स्पाउजल वर्क परमिट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले ही बनाई हुई है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाकर जरूर देख लेना, नहीं देखी तो। और मैंने बैन के ऊपर भी वीडियो बनाई है, जो लोग ज्यादा फ्रॉड करते हैं उनकी फाइल्स जो है वो बैन हो जाती है, और बैन के बाद आप वीजा कैसे ले सकते हो या नहीं ले सकते, डिपेंड करता है कि आपने क्या फ्रॉड किया था, कैसे हुआ है। सो उस हिसाब से ही चलती है फाइल, और इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि बहुत सारी पूरे वर्ल्ड से फाइल्स आती हैं, ये इन्होंने मिनट नहीं लगाना होता कि हाँ यार ये फाइल फ्रॉड लग रही है, चलो सिंपल रिजेक्शन, उनके पास रिजेक्शन लेटर लिखा होता है और रिफ्यूज़ल लेटर लिखा होता है, और चलो जी वही का वही सेम टू सेम सेंड कर देते हैं, और फिर केव्स अप्लाई होते हैं, 1 महीना केव्स में लग जाता है, फिर पता लगता है कि क्या मिस्टेक थी, फिर उसको ठीक कराने में टाइम लगता है। सो मैं यही कहूँगा कि यार सब कुछ सच दिखा दो तो ज़्यादा बेटर है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आती रहेंगी। शेयर कर देना इस वीडियो को, लाइक कर देना, कमेंट कर लेना जो भी क्वेश्चन हो, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कटारिया टीवी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पीस।